हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एक्सेल लर्निंग। दिस इज योर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर वी पोस्टिंग दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन वीडियोस एंड आई ऑलरेडी हैव इन्फॉर्म्ड यू दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ऑनलाइन क्लासेस बैच, राइट? सो इफ यू वांट टू जॉइन जस्ट डीएम मी, माय नंबर हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स 9123885664। Without wasting any more time, let's get into the chapter. But before starting, if you have not subscribed to the channel, please do subscribe because this is very helpful for you all. And don't forget to press the bell icon so that you never miss a single update. A book le lo, ek pencil bhi le lo, taki main jo point aap logo ko bolunga, wo aap पॉइंट आप लोग बुक में मार्क कर सको। और अगर आप लोग के पास हाइलाइटर भी है तो हाइलाइटर भी ले लो ताकि जो कीवर्ड्स है आप लोग मार्क कर सको। ओके, बिकॉज यू हैव टू, यू मस्ट यूज कीवर्ड इन योर आंसर स्क्रिप्ट इफ यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो टेक द बुक एंड लेट्स हैव अ जर्नी। ओके, चलो। The Nightmare written by W. H. Auden. W. H. Auden, he was a British-American poet whose full name was Winston Hugh Auden. Okay? And this particular poem was written in the year of 1936. इसे मार्क कर लो। हम लोग देखते हैं ना कि एक पर्टिकुलर स्टैंजा, नंबर ऑफ स्टैंजाज होता है। हर एक स्टैंजाज में मान लो कि चार लाइन या फिर पांच लाइन या छह लाइन होता है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं देखेंगे। पहले हम लोग को आठ कपलेट मिलेगा। ओके, एट कपलेट्स विल गेट, और उस आठ कपलेट्स में इस नाइटमेल का जो जर्नी है वो हम लोगों को दिखाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट जो कपलेट, नेक्स्ट जो स्टैंजा है उसमें हम लोग देखेंगे। ओके, सो सी, दिस इज द नाइटमेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। क्रॉसिंग द बॉर्डर मीन्स आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर द नाइटमेल इज गेटिंग इन टू स्कॉटलैंड। ओके, ब्रिंगिंग द चेक एंड पोस्टल ऑर्डर्स। सो दिस इज द फर्स्ट कपलेट एक्चुअली शोज द इनिशियल प्रोग्रेस ऑफ द नाइटमेल। That the nightmare is crossing the border, and crossing the border, the nightmare is getting into Scotland. And why is the nightmare getting into Scotland? Because the nightmare is carrying check and postal orders for everyone, for each and every people of Scotland. So check and postal order, ये एक key phrase है, आप लोग इसे mark कर लो। Okay? So the first couplet shows the initial progress of the nightmare. Letters for rich, letters for the poor, the shop at the corner, the girl next door. That means, first of all, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कि nightmare जो है उसको यहाँ पे, nightmare को यहाँ पे personify किया गया है। Life has been put into the nightmare. So the nightmare never shows any discrimination. This is the reason the nightmare is bringing letters for both poor and rich. ओके, कभी भी ये नाइटमेल जो है कभी भी पुअर और रिच में अपना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। इसीलिए पुअर के लिए भी वो चिट्ठी ला रही है और रिच पीपल के लिए भी वो चिट्ठी ला रही है। द शॉप एट द कॉर्नर, इवन द शॉप, यू कैन फाइंड द शॉप एट द कॉर्नर, उस शॉपकीपर के लिए भी नाइटमेल जो है चिट्ठी ला रही है। द गर्ल नेक्स्ट डोर, इवन वो नेक्स्ट डोर पर जो गर्ल रहती है, जो लड़की रहती है, उसके लिए भी नाइटमेल चिट्ठी ला रही है। Pulling up Bettock, a steady climb. Bettock is a village in Scotland. Okay, mark, I mean, लिख लो। Pulling up Bettock, a steady climb. A steady climb is another key phrase. तो steady climb वो करती है। The gradients against her, but she is on time. So when the nightmare continues its journey, she faces a lot of obstacles on her way, but she never gives up. But the nightmare never gives up, and the nightmare reaches to its destination on time. It shows the punctuality of the nightmare. So this is one more characteristic. अब देखो, ये पूछोगे कि सर nightmare के characteristics हम लोग क्यों पढ़े? Nightmare को personify किया गया है, इसका मतलब nightmare में जान डाल दिया गया है, और जिनमें जान है, ओके, जो जिंदा है, उनका एक ना एक कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर रहेगा। सो हम लोग, एज द नाइटमेल हैज बीन पर्सोनिफाइड, दैट इज द रीजन वी शुड नो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नाइटमेल। और कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम लोग देखेंगे नाइटमेल का, तो हम लोगों को इस पोएम का जो थीम है वो भी समझने में बहुत ईजी होगा। ओके, सो वट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वी गॉट, दैट द नाइटमेल इज वेरी पंक्चुअल। वाई? बिकॉज वेन शी
when she comes to its destination, when she continues its journey to the destination, she faces a lot of बहुत सारे obstacles उसे face करना पड़ता है रास्ते में. But क्या, the nightmare always reaches on time to its destination. It shows that the nightmare is very punctual, right? Next couplet. Past cotton grass and moorland boulder. कॉटन ग्रास ये कीवर्ड है, मूरलैंड बोल्डर ये भी एक कीवर्ड है. सोवलिंग व्हाइट स्टीम ओवर द शोल्डर. सोवलिंग व्हाइट स्टीम ओवर द शोल्डर मतलब अब वो क्या करती है, वो नाइटमेल जो कॉटन ग्रास है उसे भी क्रॉस करती है, मूरलैंड बोल्डर ने की वेस्ट लैंड है उसे भी क्रॉस करती है. और क्रॉस करते हुए क्या, उसके शोल्डर के ऊपर जो फनल टाइप का जो रहता है जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ से शोवेल करते करते जाती है. वो क्या शोवेल करती है, व्हाइट स्टीम. Shoveling white steam, this is also a key phrase. Okay, so जैसे कि पहले अभी तो जो सब ट्रेन है उनमें नहीं होता है, अगर 90s का 80s का अगर ट्रेन देखोगे तो देखना वहाँ पे वो सब ट्रेन ना कोल से चलता है कि नहीं, कोयले से, तो ऊपर से ना धुआं निकलता है, आप लोग देखे हो शायद. तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पास्ट कॉटन ग्रास यानी कि कॉटन ग्रास को क्रॉस करती है, वो मूलैंड बोल्डर को क्रॉस करती है. कैसे क्रॉस करती है, अपने शोल्डर के ऊपर से वो जो शोवेल करते हुए, क्या शोवेल करते हुए क्रॉस करती है, व्हाइट स्टीम सादा धुआं क्रॉस करती है. वो कॉटन ग्रास को भी क्रॉस करती है और मूलैंड ग्रास को भी क्रॉस करती है. ओके, सो इट इज नथिंग बट अ डेपिक्शन ऑफ द स्मोक दैट ट्रेवल्स आउट एंड ओवर द ट्रेन एंड इट इज pushed behind her by the pressure of the wind. Next couplet. Snorting noisily as she passes. Snorting noisily. So यहाँ पे और एक बार जो है मेल ट्रेन को, द नाइट मेल को पर्सोनिफाई किया गया है. जैसे कि देखिए स्नॉटिंग मतलब क्या होता है, स्नॉटिंग मतलब होता है खराटे लेना. अब एक ये जो पेन है ये पेन खराटा नहीं ले सकता है, या फिर ये जो माउस है ये माउस भी खराटा नहीं ले सकता है कि नहीं. लेकिन तो खराटे कौन ले सकता है, जिसमें जान है, इनमें जान है. तो देखो once again the train has been personified, the mail train has been, night mail has been personified. उसके ऊपर से snort कर रहा है, यानी कि the night mail has been depicted as an animal, as the night mail is very big in size. Okay, so snorting noisily as she passes, steer from bushes at, sorry, snorting noisily as she passes, silent miles of wind bent grasses. ये भी एक कीवर्ड है, इसे मार्क कर लो. इट शोज दैट द ट्रेन, दैट द नाइटमेल इज वेरी पावरफुल एंड वेरी डिटरमाइंड. तो देखो इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अगर समझेंगे तो क्या होगा कि स्नॉटिंग नॉइजली एज शी पासिस, यानी कि वो मेल ट्रेन, वो नाइटमेल जब पास करती है तब स्नॉट करते करते पास करती है. स्नॉट मतलब खराटे लेते लेते पास करती है, एक्चुअली खराटे नहीं लेते हैं. तो ट्रेन का लोकोमोटिव का जो एक कॉमोशन होता है, जो साउंड होता है, हाँ ट्रेन जब चलती है उसका जो एक रिदमिक साउंड होता है, उसी को यहाँ पे स्नॉटिंग के तौर से दिखाया जा रहा है. और क्या, साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंड ग्रास. तो देखना जब ट्रेन जोर से जाता है, पास करता है, तो वहां पे जितना सारा घास होता है वो सब एक साइड बेंड हो जाता है. ओके, तो इस तरह से वो ट्रेन जो है वो पास करती है. और दिस sentence, the second sentence, silent miles of wind bent grasses, it shows the train is very powerful and the train is very determined. Okay, this is once again, these two are characteristics of the night mail. तो पहले हम लोग को क्या मिला कि night mail जो है वो बहुत punctual है, ये मिला. और यहाँ पे क्या मिला, the night mail never gives up because when she continues its journey, she faces a lot of obstacles on her way, but she never gives up and she reaches to its destination on time. तो वहाँ पे ये दो मिला और यहाँ पे ये क्या मिला है, the night mail is very powerful and very determined. Birds turn their heads as she approaches. So birds वहाँ पे है. अब ट्रेन जब अप्रोच करता है, वो ट्रेन जब आता है तो बर्ड्स जो है वो लोग बस सर घुमा के देखता है. Steer from bushes at her blank-faced coaches. Blank-faced coaches ये भी एक कीवर्ड है. Blank-faced coaches that means there are no passengers in the mail train, in the night mail. Okay? And the birds when the train arrives, when the train comes, listening to the snorting of the night mail, all the birds turn their heads. But
ओ अच्छा ठीक है नाइट मिल है कोई बात नहीं, बिकॉज द नाइट मिल इज नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर देम एंड दे नो इट वेरी वेल दैट द नाइट मिल इज एक्चुअली परफॉर्मिंग हर ड्यूटी, शी इज एक्चुअली फुलफिलिंग हर ड्यूटी, शी इज एक्चुअली अपना काम कर रही है वो। और ट्रेन का जो साउंड है या फिर ट्रेन का जो अराइवल है उसके साथ ये बर्ड्स लोग जो है ये भी बर्ड्स जो है ये भी ना क्या है पता है मतलब फैमिलियर हो चुका है, अक्वाइंटेड हो चुका है, इसीलिए दे आर नॉट एट ऑल बॉदर दैट द ह्यूज लोकोमोटिव इज कमिंग एंड शी इज सोवेलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर एंड शी इज स्नॉटिंग, शी इज मेकिंग साउंड। नो, the arrival of the train does not bother a single bird staying over there. That means the night meal is not harmful and they know it very well and all the birds are very familiar, very acquainted with the night meal. Sheep dogs cannot turn their course. Once again, sheep dog, उन लोगों को भी कोई effect नहीं पड़ता है, उन लोगों को भी कोई problem नहीं होता है. They slumber on with paws across. Paws across मतलब ऐसे करके, okay? So sheep are there, dogs are there. They are also not worried for the arrival of the night mail. Okay, they just keep their paws like this and they also slumber. Slumber one मतलब क्या सोना, okay? Slumber मतलब doze करना. So they also know that the night mail is not at all harmful and she is performing her duty. So यहाँ पे night mail का और एक characteristic हम लोग को ये मिल रहा है कि that the night mail is very dutiful, right? The night mail is very dutiful. Mark करते रहो, लिखते रहो book में. Okay. In the farm, she passes, no one wakes. And when the night mail passes, no one wakes those who live over there. Okay, देखना ये होता है कि मान लो कि जिनका घर रेलवे ट्रैक के सामने, लाइक मेरा घर रेलवे ट्रैक के सामने है, तो जब वहाँ पे तो सुबह मतलब ट्रेन का जो आवाज़ है अगर वो कान में नहीं सुनते हैं ना तो लगता है कि कुछ मिसिंग है, या फिर प्लेटफॉर्म में जो अनाउंसमेंट होता है अगर उसका आवाज़ नहीं आता है तो लगता है कि कुछ मिसिंग है. ओके, और देखना जहाँ मतलब रेलवे ट्रैक के सामने जिन लोगों का घर है रात को ये ज़्यादा फील कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि रात को सोते हैं ना तो माइंड जो है एकदम रिलैक्स्ड मूड में रहता है. तो जब ट्रेन पास करता है ना तो घर जो है वो धीरे 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 हिलता है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द ट्रेन. तो यहाँ पे यही बोला जा कहा जा रहा है कि इन द फार्म शी पासेस नो वन वेक्स. सो व्हेन द नाइट मेल पासेस नो वन वेक्स दोज हु लिव बिसाइड द रेलवे ट्रैक और इन द एट द नियर बाई एरिया. But a jug in a bedroom gently shakes. लेकिन एक घर में मान लो कि एक जग रखा हुआ है तो वो जग धीरे 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 वो जग हिलता रहता है. Why? Because the night mail passes. Okay, that means the shaking of the jug indicates that the night mail has already come. That means the night mail is not harmful for the people also. For the people also. Rather, she passes because she is performing her duty. Nobody is waking up. They know that the night mail, ये जो night mail है, ये हम लोग कुछ नहीं करेगा, ये बस अपना काम करता रहेगा. लेकिन एक घर में जो जग है वो धीरे 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 शेक करता रहेगा रहता है. Okay? Next देखो. Dawn freshens, her climb is down. Her climb is down, this is also very important. Phrase मतलब यहाँ पे जाके ये feel हो रहा है कि night mail जो है वो एकदम थक चुकी है, tired, exhausted. Okay, the climb is done and dawn freshens. सुबह हो गया है. Down towards Glasgow, she descends. Glasgow is a city, port city of Scotland. ये भी लिख के रख लो. Down towards Glasgow, she descends. अब ग्लासगो की तरफ वो जा रही है. Towards the steam tugs yelping down a glade of cranes, towards the fields of apparatus, the furnaces set on the dark plain like gigantic chessmen, all Scotland waits for her. तो अब वो glade of cranes, field of apparatus, furnaces ये सब क्रॉस करके एकदम जा रही है, पहुंच रही है कौन, नाइट मिल. वाई? बिकॉज एवरीबडी द स्कॉटलैंड, एक्चुअली द स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर. दैट मीन्स ऑल द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड आर वेटिंग फॉर द मेल ट्रेन, वेटिंग फॉर द नाइट मिल. वाई? बिकॉज द नाइट मिल इज ब्रिंगिंग न्यूज फॉर देम. इस लाइन पे जो है ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर. इन दिस पर्टिकुलर लाइन द स्कॉटलैंड, द टर्म, द वर्ड स्कॉटलैंड हैज बीन पर्सोनिफाइड. Okay,
In Dark Glens, Glens is a narrow valley in Scotland. In Dark Glens, beside plain green locks, men long for news. तो कहाँ? Dark Glen पे, pale green lock पे भी, वहाँ पे भी मेन जो है इंसान जो है लोग जो है वो लोग क्या कर रहा है मेल ट्रेन का वेट कर रहा है. Why? Because the mail train is bringing news for all of them. Next, letters of thanks, letters of thanks, letters of banks, letters of joy from girl and boy, received bills and invitations to inspect new stock or to visit relations and applications for situations and timid lovers declaration and gossip from all the nations, news circumstantial, news financial. तो यहाँ पे देखो बहुत सारा न्यूज के बारे में बता रहा है कि मेल ट्रेन एक्चुअली क्या ला रही है उन सब के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ थैंक्स, लेटर फ्रॉम बैंक, ये सब एक ही कीवर्ड है, मार्क करते रहना. और क्या ला रही है? लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम गर्ल एंड बॉय, कि कहीं पे किसी एक लड़की ने एक लड़का को चिट्ठी लिखा या फिर एक लड़का लड़की को चिट्ठी लिखा है, तो उन लोगों का जो जॉय है, उन लोगों का जो इमोशंस है, वो सब कुछ कैरी करके ला रही है. कौन? ये नाइट मेल. रिसिप्टेड बिल्स एंड इन्विटेशंस, सम बिल है वो भी ला रही है, इन्विटेशंस भी ला रही है. टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और टू विजिट रिलेशंस, स्टॉक मार्केट. ओके, स्टॉक मार्केट का कुछ न्यूज भी जो है ये मेल नाइट मेल ला रही है. और विजिट रिलेशंस, कोई इनविटेशन किसी को विजिट करने जाना है या फिर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो भी ला रही है. एंड एप्लीकेशंस फॉर द सिचुएशन, यानी कि जॉब वैकेंसीज वो भी ला रही है. एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशन, ओके, तो टिमिड लवर का जो डिक्लेरेशन है वो भी ला रही है. एंड गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस, न्यूज सरकमस्टेंशियल, न्यूज फिनेंशियल, यानी कि बहुत सारे सरकमस्टेंसेस का न्यूज भी ला रही है और फिनेंशियल न्यूज भी ला रही है. कोई बस किसी को चिट्ठी लिख रहा है ऐसे बात करने के लिए, गॉसिप करने के लिए, वो भी ला रही है. लेटर्स विथ हॉलीडे स्नैप्स टू एनलार्ज इन, लेटर्स विथ फेसेस स्क्रॉल्ड ऑन द मार्जिन, यानी कि देखना बच्चे लोग जो चिट्ठी लिख मतलब लिखते मिलता है ना, कि अगर ये पेज है, पेज के चारों तरफ से मार्जिन है, वहां पे छोटा छोटा फेस बनाया गया है, उसमें भी जो है लिखा हुआ कुछ चिट्ठी ये नाइट मेल ला रही है. लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कजिन्स एंड आंट्स, अंकल्स, कजिन्स एंड आंट्स, लेटर्स टू स्कॉटलैंड फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस, यानी कि साउथ ऑफ फ्रांस से लेटर स्कॉटलैंड में ला रही है ये नाइट मेल. लेटर्स ऑफ कॉन्डोलेंस टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स, यानी कि हाईलैंड्स और लोलैंड्स का जो कॉन्डोलेंस लेटर है वो भी ला रही है. कौन? ये नाइट मेल. Written on paper of every hue, यानी कि बहुत सारा पेपर का कलर है, so different type of papers are there, different color papers are there, and on those paper the letters have been written. So ऐसा बहुत सारा letters जो है ये night mail ला रही है, अपने साथ carry करी है, जो कि बहुत सारे color का है. और ये सारा जो color जो है ये इंसानों का emotions को show करता है, ये इंसानों का जो हम लोग का actually the colors represent the shades of human life, यही main point है. Okay, the pink, the violet, the white, the blue, the chatty, the catty, the boring, the adoring, the cold and official, and the hearts outpouring, clever, stupid, short and long, the type and the printed and the spelt all wrong. यानी कि देखो कितना तरह का जो है लेटर ये नाइट में ला रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेज का जो कलर है, कुछ पिंक है, कुछ वायलेट है, कुछ व्हाइट है, कुछ ब्लू है. सो बेसिकली फोर कलर्स हैव बीन मेंशन, बट एक्चुअली इट शोज द डिफरेंट शेड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि कोई खुशी में लेटर लिख रहा है, कोई दुख में लेटर लिख रहा है, कोई गुस्सा होकर लेटर लिख रहा है, कोई बहुत 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 खुश होकर लेटर लिख रहा है. उसी हिसाब से वो लोग जो पेपर का कलर है उसे चॉइस किया है. सो इट शोज द कलर्स ऑफ द पेपर एक्चुअली शो द डिफरेंट शेड्स ऑफ आवर इमोशंस, द डिफरेंट शेड्स ऑफ आवर ऑफ ह्यूमन लाइफ. ओके, द चैटी, द कैटी, द बोरिंग, द एडोरिंग, कुछ बोरिंग लेटर भी है, कुछ एडोरिंग प्यार भरा कुछ लेटर भी वहां पे है. द कोल्ड एंड ऑफिशियल एंड द हर्ट्स आउटपोरिंग, कुछ ऑफिशियल लेटर्स भी है, कोल्ड लेटर्स भी है, और यहाँ पे कोई कोई लेटर लिखा है अपना हार्ट पोरिंग कर दिया, मतलब उनके दिन में, किसी के मन में जितना बात था सब कुछ उस लेटर में उन्होंने दे दिया है. तो हार्ट आउटपोरिंग,
क्लेवर स्टूपिड शॉर्ट एंड लॉन्ग, कुछ क्लेवर लेटर्स है, कुछ स्टूपिड सा लेटर है, कुछ छोटा लेटर है, कुछ लेंदी बड़ा लेटर है, द टाइप एंड द प्रिंटेड, कुछ टाइप किया हुआ लेटर है, कुछ प्रिंट किया हुआ लेटर है, एंड द स्पेल्ड ऑल रॉन्ग, यानी कि किसी बच्चे ने शायद और एक बच्चे को चिट्ठी लिखा है तो वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक भी है, तो ऐसा लेटर भी है। सो दिस पर्टिकुलर स्टैंजा शोज डिफरेंट शेड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बींग, एंड इट ऑल्सो शोज डिफरेंट शेड्स ऑफ आवर कैरेक्टर, कि हम लोग कैरेक्टर के हिसाब से अपने अपने आप को एक जगह पे संभाल लेते हैं, कि अगर मैं अभी खुश हूँ तो मैं गाना चलाऊंगा, मैं कुछ एकदम मतलब नाचने वाला गाना चलाऊंगा, लेकिन अगर मैं अभी दुखी हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं नाचने वाला गाना नहीं चलाऊंगा। सो इट शोज माई इमोशन, इट शोज माई रियलाइजेशन। थाउजेंड्स आर स्टिल एस्लीप ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स और ऑफ फ्रेंडली टी बिसाइड द बैंड इन क्रैस्टन्स और क्रैफोर्ड्स। सो यहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल आर स्लीपिंग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर स्लीपिंग एंड दे आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, ओके, दे आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, बट द नाइटमेल इज डूइंग हर वर्क। सो ये भी हम लोग को ये जो लाइन है या फिर ये जो स्टैंजा है, ये हम लोग को ये दर्शाता है कि नाइटमेल जो है कितना ड्यूटीफुल है। वेन ऑल द पीपल आर स्लीपिंग, वेन ऑल द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड आर स्लीपिंग, दैट एट दैट टाइम द नाइटमेल इज actually performing her duty, she is doing her work। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखना कि फेयर एंड हैंडसम, आप सब लोग टीवी देखते हो, ओके, देखना फेयर एंड हैंडसम का वहाँ पे ना एक एड देता है, अभी अभी वो एड दिखाया जाता है कि नहीं मुझे पता नहीं, जिसमें स्टार्ड है शाहरुख खान, तो वहाँ पे जो लाइन है या फिर जो विजुअलाइजेशन है जो दिखाया गया है, आप लोग चाहो तो गूगल कर यूट्यूब में भी देख सकते हो, वहाँ पे ये लाइन जो है कि विरासत में मुझे सिर्फ दुआएं मिली थी, बड़ा नाम नहीं, लेकिन मुझे चाहिए था ज्यादा, ज्यादा इज्जत, ज्यादा शोहरत, ज्यादा फैंस। सो जब दुनिया सोती थी मैं जागता था, ओके, सो दुनिया सोती थी मैं जागता था, यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है वो सीन कि एक कॉलोनी है, एक बहुत बड़ा फ्लैट है, दूर से कैमरा रखा है, बहुत बड़ा फ्लैट है, सो हर एक विंडो है वहाँ पे, सारा विंडोज का लाइट जो है वो ऑफ है, बस एक ही विंडो का लाइट जो है वो ऑन है, वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि शाहरुख खान सर जो है वो मतलब स्क्रिप्ट लेके, इस तरह से स्क्रिप्ट लेके पढ़ रहा है, वो नहीं हो रहा तो फेंक दे रहा है, फिर से उठा रहा है, तो इस तरह का वो एड जो है। तो देखो जब दुनिया सोती थी मैं जागता था, यहाँ पे भी सेम चीज है, व्हेन द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग, व्हेन द होल वर्ल्ड इज ड्रीमिंग, द नाइटमेल इज एक्चुअली परफॉर्मिंग हर ड्यूटी, राइट। आई होप कंसेप्ट जो है मैंने क्लियर किया। तो नाइटमेल जो है वो वहां पे रात भर जाग के काम कर रही है, मेनी ऑब्स्टिकल्स आर कमिंग ऑन द वे, बट शी इग्नोर्स एवरीथिंग, एवरीथिंग, शी ब्रेक्स एवरीथिंग एंड शी रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम। ओके, asleep in working Glasgow, asleep in well set Edinburgh, ये सब जगह का नाम है। सो ग्लासगो में भी अभी सब कोई एक मतलब सोया एक जो मूड है वहाँ पे है, एडिनबर्ग में भी एवरीथिंग इज ऑल सेट, asleep in ग्रेनाइट Aberdeen, Aberdeen is also a city of Scotland, okay, they continue their dreams, so all of them are sleeping and they are dreaming, they continue their dream, but shall wake soon and hope for letters, लेकिन बहुत ही जल्दी वो सारा जो 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 लोग वहाँ पे सो रहा है ना, सब कोई बहुत ही जल्दी उठ जाएगा, and they will hope for their letters, they will be waiting for their news, and none will hear the postman's knocks without a quickening effort, and at that time only the postman will knock at the door, and they will be very happy, यानी कि देखो वो लोग नींद से उठेगा, उठ के ये सोचेगा कि अरे मेरा लेटर नहीं आया, मेरा लेटर नहीं आया, तभी जाके पोस्टमैन दरवाजे पे टक 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 टक, तो उन लोगों का हर्ट में जो मतलब जो एक्साइटमेंट रहेगा उसके तुरंत बाद ही उसकी उसके साथ ही वो लोग क्या सुनेंगे, वो लोग सुनेंगे कि दरवाजे पे जो है पोस्टमैन जो है वो नॉक कर रहा है दरवाजा, ओके, फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पोइट ये बता जा रहा है कि कौन चाहता है कि इंसान उन्हें याद नहीं रखे, दैट मीन्स एवरीबडी वॉन्ट्स
टू बी रिमेम्बर्ड बाय पीपल, है कि नहीं। मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि तुम लोग मुझे भूल जाओ, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा रिलेटिव जो है वो मुझे भूल जाए, मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे जितना सारा ऑफलाइन क्लासेस में मेरे जितना स्टूडेंट्स है, जो गार्जियंस है, जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे भूल जाए। या फिर तुम लोग भी नहीं चाहोगे कि सर हम लोग को भूल जाए, यहाँ पे जो जो स्टूडेंट्स है वो लोग भी नहीं चाहेगा कि सर हम लोगों को भूल जाए, है कि नहीं। बस इसी वजह से कि ये होता है कि बहुत, मतलब हम किसी के साथ हम लोगों का रिलेशन जो है एक लॉन्ग लाइफ एक रिलेशन हम लोगों का रह जाता है, क्योंकि हम ना भूलना चाहते हैं किसी को, ना हम लोग किसी को भुलाना चाहते हैं। सिमिलरली ऑल द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट to be forgotten, that is the reason right now they are sleeping, but very soon they will wake up and with a quickening heart they will hear a knock, tuck 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 tuck, that means they are waiting for their news, okay। और एक चीज देखो, हम लोग इसे ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लो कि वो सब इंसान है जो सोया हुआ था, वो लोग अभी जाग गया है, ठीक है, और यहाँ पे जो है पोस्टमैन खड़ा है। सो बीच में जो है एक छोटा सा गैप है, यानी कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्या है, गैप है। यहाँ से पोस्टमैन दरवाजे पे नॉक करेगा और यहाँ पे वो लोग को, उन लोगों को न्यूज मिल जाएगा, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी टू गेट द न्यूज। यानी कि पोस्टमैन का जो नॉक है, दिस इज द, मतलब वही एक जरिया है उन लोगों का हैप्पीनेस का, है कि नहीं। सो पोस्टमैन का जो नॉकिंग है वही उन लोगों को हैप्पी कर रहा है कि मुझे मेरा न्यूज मिल गया, यानी कि मुझे किसी ने नहीं भूला, मेरे रिलेटिव्स ने नहीं भूला है। सो पोस्टमैन का जो नॉक है वो भी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी डे दे आर गेटिंग द न्यूज एंड दे आर हियरिंग द साउंड द नॉकिंग ऑफ द पोस्टमैन। सो अगर नहीं सुनेगा, मेरे लिए न्यूज़ नहीं आया, क्या वो मुझे भूल गया, तो ये जो बात है उन लोगों में, उन लोगों के दिमाग में, उन लोगों के मन में चलेगा। तो पोस्टमैन का नॉकिंग जो है वो भी उन लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस फॉर देम, इट मेक्स देम हैप्पी, ओके। तो ये जो है पूरा एक्सप्लेनेशन है, आई होप आप लोग को समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन पे लिखो, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू विद द आंसर एज सून एज पॉसिबल। वेट, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी आप लोगों को लिटरेरी डिवाइस जो है, पोएटिक डिवाइस जो है वो आप लोगों को मार्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वहाँ पे ये जो लाइन है, एंड गॉसिप गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस, ये क्या है, ये एलिटरेशन है। गॉसिप गॉसिप ऑल द नेशन, ये एलिटरेशन है। उसके बाद यहाँ पे एनाफोरा भी यूज किया गया है, लाइक लेटर्स विथ हॉलीडे, लेटर्स विथ फेसेस, लेटर्स फ्रॉम अंकल्स आंट्स, लेटर्स फॉर स्कॉटलैंड। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्टैंजा स्टार्टेड विथ द सेम वर्ड लेटर्स मैक्सिमम, राइट। सो दिस इज व्हाट एनाफोरा। नेक्स्ट यहाँ पे सिंबॉलिज्म भी यूज किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ, बिकॉज द नाइट मेल इज द सिंबल ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो बहुत ही ड्यूटीफुल है कौन, ये नाइट मेल, एंड द नाइट मेल हैज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे सिंबॉल किया गया है, सिंबॉलिक है कि नहीं। तो सिंबॉलिज्म भी यहाँ पे यूज किया गया है। अच्छा, इमेजिनरी भी यूज किया गया है, क्योंकि द बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, अब पोएट जो है डेफिनेटली वो रात भर जाग के ऐसे नहीं, अच्छा देख तो बर्ड्स लोग देख रहा है कि नहीं, सो ये इमेजिनेशन है, तो यहाँ पे ये इमेजिनरी भी यूज किया गया है, ओके। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन, अब ये तो नया आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है, द ट्रेन हैज बीन पर्सोनिफाइड, ओके। रेटोरिकल क्वेश्चन, रेटोरिकल क्वेश्चन, द लास्ट वन इज द रेटोरिकल क्वेश्चन, फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, दिस इज अ रेटोरिकल क्वेश्चन, ओके। और एक जो है यहाँ पे मेटाफर भी यूज किया गया है, फील्ड्स ऑफ एपरेटर्स द फर्नेसेस, ये जो है ये एक मेटाफोर है, ठीक है। सिमिली यूज किया गया है यहाँ पे, उसी के नेक्स्ट जो लाइन है जाइगेंटिक चेसमैन, यहाँ पे सिमिली भी यूज किया गया है। अब लास्ट जो पॉइंट है वो रहा आप लोगों का थीम ऑफ द पोएम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फर्स्ट वन इज ड्यूटियसनेस, कि द ट्रेन इज द सिंबल ऑफ ड्यूटी, ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी,
ट्रेन का एक सेंस ऑफ ड्यूटी है, इसीलिए सारा जो बाधा है, जितना ऑब्स्टेकल है, वो सब तोड़ के वो अपने डेस्टिनेशन पे एकदम टाइमली पहुंच रही है। सो ये एक थीम है। नेक्स्ट पंक्चुअलिटी, टाइम में पहुंच रही है, ओके, ये ऑल्सो पंक्चुअलिटी इज ऑल्सो थीम ऑफ द पोएम। सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट मीन्स व्हेन द ट्रेन पासेस थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस, शी नेवर गेट्स अफ्रेड, द ट्रेन नेवर गेट्स अफ्रेड एंड शी नोज दैट आई विल बी रीचिंग देयर ऑन टाइम, बट रादर आई विल हैव टू रीच देयर ऑन टाइम, सो आई शुड नॉट पे अटेंशन टू एनी थिंग over there. So the trainee is also very, so the self confidence is also the theme of the poem. Determination, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि determination है train का, और emotions of people, like we can say that the train can feel, the train can realize the emotion of people, that is the reason the train never fails to reach to Scotland. She knows, the train knows that how the people feel when, if they would not get the news, if they would not get their letter. So one, पहला तो यह है कि ट्रेन को पर्सनिफाई किया गया है, उसी हिसाब से तो वो फील करेगा ही। उसके बाद भी the train actually feels the emotion of the people. So these are the थीम्स ऑफ द पोएम। आई होप क्लियर है, आप लोग को अच्छा लगा, सो प्लीज कमेंट कीजिए आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं, या फिर आप लोग को और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए अगर अच्छा लगा तो, बट आई बिलीव यू लाइक द वीडियो, और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उन लोगों को भी कुछ अच्छा मिले, राइट। लास्ट वन, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट दूसरा चैप्टर के साथ, और वो भी चैप्टर आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और एक वीडियो मेरा अपलोड ऑलरेडी मैंने कर दिया है कि नया ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, माई नंबर हैज़ बिन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, 9123885664। Tata, bye bye, see you, God bless you all.